हम आपके हैं हिम्मत। कार तो जीत ली है, पर रेड कलर की कार नहीं थी ना स्टॉक में, इसलिए टाइम लग रहा है। हाँ हाँ, एक दो दिन में आ जाएगी। हाँ गुल्लू, गुल्लू आ गया, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। ओके गुल्लू, तुम आ गए? पानी लाऊं? नहीं, बैठो। ये बैग जरा संभाल के रखो, इसमें 2,50,000 रुपए कैश है। ढाई लाख है? मैं अभी अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी कि हम एक दो दिन में कार ले आएंगे, और आज तुम पैसे भी ले आए। कहाँ से इंतजाम किया, ऑफिस से? दामू ये पैसे, मुझे पता था इंतजाम हो जाएगा। सुबह ही मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी और भगवान ने मेरी सुन ली। गुल्लू तुम दुनिया के सबसे अच्छे पति हो, यू आर द बेस्ट। आई लव यू गुल्लू, आई लव यू, थैंक यू गुल्लू। गुल्लू अब हम मम्मी जी पापा जी डैडी को ना हरिद्वार घुमाने ले जाएंगे, और करण को पूरा शहर घुमाएंगे, कितना मजा आएगा, है ना? सॉरी दामू, पैसों का इंतजाम अभी तक हुआ नहीं है, ये पैसे तो चौहान की पॉलिसी की प्रीमियम के हैं। अब मैं ये पैसे लेकर जाऊंगी और खुद कार लेके आऊंगी। दामू, गुड मॉर्निंग दामू। कहाँ चली गई? मम्मी क्या तो नहीं चली गई? हाय, सुबह सुबह किसका फोन आया? गुल्लू, गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे, उठ गया बेटा? हाँ माँ। बेटा खाना खाया? अभी उठाऊ माँ। अभी उठा? हाँ माँ। ठीक से सोया बेटा? हाँ माँ। बुरा सपना तो नहीं आया? माँ जिस चीज के लिए फोन किया वो तो पूछने दो। पूछ बेटा। तामू है क्या वहाँ पे? तामिनी? नहीं बेटा, वो तो यहाँ नहीं आई। वहाँ नहीं आई तो कहाँ चली गई? या, चली गई? हाय कहाँ चली गई? बेटा तूने उसे रोका क्यों नहीं? माँ मैं सो रहा था, उठा तो वो घर पे नहीं थी। अच्छा बेटा तू चिंता मत कर, हो सकता है वो अपने डैडी के यहाँ गई हो। तू अभी जा कर्नल साहब के यहाँ देख के आ जा। हाँ मैं देखता हूँ। हाँ, बाय। अच्छा बेटा कुछ खा ले। हेलो, हाय रख दिया। तामू कहाँ चली गई होगी इतनी सुबह? ये बीवी भी अजीब चीज है, घर पे हो तो मुसीबत, घर पे ना हो तो ज्यादा मुसीबत। दामू, दामू, दामू। फूफा जी, ये सब क्या सुबह सुबह बच्चे की जान लोगे? अरे गुल्लू बेटा, ये फेस पैक है, इससे फेस हमेशा पैक रहता है भाई। जवानी जाती नहीं, बुढ़ापा आता नहीं। इतने दिनों के बाद ससुराल आए हो हैं? अरे कर्नल भाई साहब, दामाद जी आए हैं। दामाद जी, क्या बात है गुल्लू बॉय, आ जाओ अंदर आ जाओ। जी ये कहाँ से बोल रहे हैं? अरे बाथरूम में नहा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ डैडी जी। लेटर। आ जाओ गुल्लू बॉय, क्या कर रहे हो? शेर सिंह आप में साबुन क्यों लगा रहे हो? आ जाओ, शेर सिंह तुम्हारी पीठ में भी साबुन लगा देगा। इट्स वेरी गुड। शेर सिंह उन्हें नहलाता भी है? हाँ हाँ भाई, शेर सिंह ही कर्नल भाई साहब को नहलाता है। हाँ लेकिन इसमें उन्होंने हमारी राय नहीं ली है। गुल बॉय, मैं बाद में आता हूँ। बाय बाय। हाँ जी, हाँ। जी मुझे आपका ये नाइट सूट बहुत पसंद है। I love polka dot। मुझे भी चाहिए। तुम्हारी दीदी ही ढूंढ के लाती, अब मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, बताओ कहाँ है दीदी? यहाँ तो नहीं है। तो कहाँ गई? अरे तुम्हारी मम्मी के घर पर होगी। नहीं वहाँ मैंने पता लगा लिया, नहीं है। तो फिर कहाँ गई? पता नहीं, सुबह से घर पे नहीं है। अरे तो फिर कहाँ चली गई भाई?
कभी ऐसा करती नहीं है और कल भी हमारी कोई बात नहीं हुई। और तुम कार के लिए रुपए ले आए? दामू ये पैसे मुझे पता था इंतजाम हो जाएगा। आज सुबह मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी और भगवान ने मेरी सुन ली। दामू उन पैसों से कार लेने तो नहीं चली गई? वो पैसे चौहान की इंश्योरेंस पॉलिसी के थे दामू, हमारी कार के नहीं थे, हमारी कार के नहीं थे दामू। कंग्रेचुलेशंस दामिनी, हमारी कार आ गई डैडी। भाई ये तो कमाल हो गया। पंडित जी सुन जाओ, जल्दी आइए, कार हमारी कार आ गई। अरे वाह, कार आ गई। अरे पंडित जी जल्दी आइए। अरे आओ आओ सब आओ, कम ऑन। दामिनी मैं नाराज हूँ। ओ यार, अकेले के लिए कार ले आई, मुझको साथ ले जाती, हेल्प हो जाती पुत्र, मैं नाराज हूँ। दामाद जी आप दामिनी की हेल्प करना चाहते हैं? हाँ जी पापा जी। तो पहले गुल्लू को आवाज दीजिए। हाँ जी पापा जी। नहीं पापा जी, गुलशन को मैं बुलाऊंगी। दामू फोन उठाओ, फोन उठाओ, प्लीज फोन उठाओ। गुल्लू। हाँ दामू, दामू। अरे दामू अच्छा हो तुमने फोन उठा लिया। अरे दामू वो पैसे, वो पैसे। हेलो गुल्लू। हाँ तुम्हें मेरी आवाज आ रही है ना दामू? गुल्लू बाहर आओ। हाँ हाँ हेलो हेलो, मैं गुल्लू बोल रहा हूँ। हेलो गुल्लू, आवाज वहां से क्यों आ रही है? फोन कर गुल्लू। गुल्लू हमारी कार। ये क्या किया दामू? रोहन की इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसों से तुम कार ले आई? गुल्लू हमारी कार। ये कार नहीं, यमराज है, यमराज। हमने चौहान की इंश्योरेंस का प्रीमियम खाया है, अब चौहान हमें खाएगा, कच्चा चबा जाएगा। क्या किया दामू, क्या किया? गुल्लू अकेले बालकनी में खड़े खड़े क्या बड़बड़ा रहे हो? नीचे आओ, देखो अपनी कार आ गई है, जल्दी आओ ना। गुल्लू हमारी कार आ गई। क्या हुआ गुल्लू बेटा, क्या बात है गुल्लू बॉय? बच्चे क्या हुआ, तू खुश है ना? तुझे भूख लगी है? मैं अभी कुछ बना के लाती हूँ। अरे चुप रहिए ना बेबी जी, क्या है? मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, कि मैं तुम्हें बिना बताए चली गई। वो एक्चुअली मुझे लगा कि तुम्हें ऑफिस में काम होगा, तो शायद तुम ना जा पाओ, इसलिए मैं ही जाके ले आती हूँ। सवाल करती हो दामू, बता के तो जाती कि कहाँ जा रही हो। मैं कितना परेशान था, कब से ढूंढ रहा था,
इतने फोन भी किए मैंने तुम्हें, उठाया नहीं तुमने। हाँ, सॉरी, एक्चुअली जानबूझ के नहीं उठाया, तुम्हें पता चल जाता ना और मैं तुम्हें झटका देना चाहती थी, सॉरी प्लीज। तुमने तो मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका दिया है दामन। अगर बेटी किसकी है? हाँ भाई, किसकी बेटी है, किसकी बेटी है? कानल युवा सेठी की बेटी है। ओके बेटी, तुमने बड़ा अच्छा किया, तुम आज कार ले आई। हम आज शाम को दिल्ली जा रहे हैं, हमें एक बहुत बढ़िया मौका मिस कर। I'm proud of you, my doll. Come on, give me a hug. I love you, my child. कर्नल साहब, इस जीवन में दो ही चीजें होती हैं जो जीवन देती है, वॉटर और डॉटर। इसलिए सेव डॉटर एंड वॉटर। बोल साचे दरबार की जी। वेल सेड पंडित जी, हमारे साथ रह के आपका भी ज्ञान बढ़ता जा रहा है और आपका घटता जा रहा है। अरे अभी खुशी के मौके पर मिठाई तो खिलवाइए कर्नल साहब। अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं, वाई नॉट। चलो शेर सिंह, मां लोड से मिठाई लेके आते हैं। हाँ। चलो हाँ रस्तोगी, यार मैं आज ऑफिस नहीं आ सकता। नहीं नहीं कुछ खास नहीं, बस। अच्छा तू यहाँ आ सकता है? नहीं टेंशन नहीं है, बहुत बड़ी टेंशन है। खुशी, खुशी के आंसू कितने हैं धासू, ये खुशी के आंसू। बोल साचे दरबार की। ये है शगुन के झुमके। कुल्लू के यहाँ कार आई है ना, मैं सोच रही हूँ शगुन के तौर पे दामू को दे दूँ। वैसे एक बात कहे बेबी जी, बिना हार का झुमका और बिना म्यूजिक का ठुमका अच्छा नहीं लगता। बोल सांचे दरबार की जय। पापा जी, पर अभी हार बनवाना पड़ेगा ना, आज ही झुमके दे देते हैं, बहू को बहुत अच्छा लगेगा। पापा जी, मैं नाराज हूँ। क्या हुआ दामाद जी? पापा जी, मम्मी जी दामनी को झुमके दे रही है और मुझे किसी ने पूछा ही नहीं है, मैं नाराज हूँ। कोई बात नहीं दामाद जी, हम पूछ लेते हैं। दामाद जी, आप झुमके लोगे? हाँ जी पापा जी। तो ठीक है, पहले साड़ी पहन कर आए, तब मिलेंगे। मैं नाराज हूँ। तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए नाराज रहिए, तब तक हम दामिनी को झुमके देकर आते हैं। आइए बेबी जी। शेर सिंह, तैयारियां पूरी हो गई? हाथ फंस गया सर। हाँ सर। उपा जी, ये चेन आप हमारी तरफ से गुल्लू बॉय को दे दें। सर आप खुद क्यों नहीं दे देते गुल्लू को? क्यों फुफड़ जी, आपकी क्या राय है? भाई हमारी राय में तो हमें खुद दे देनी चाहिए। ओके फुफा जी, आप तो हमारा नेचर जानते हैं, अगर हम गुल्लू बॉय को बेटे की तरह देंगे तो वो लेगा नहीं। आप
ससुराल वालों की तरफ से दीजिए। कभी कभी हमें गुल्लू को दामाद होने का स्पेशल एहसास भी कराना चाहिए। ओह डैडी, आई लव यू, यू आर द बेस्ट। आप कितने अच्छे हैं। बेटा, माँ बाप उतने ही अच्छे होते हैं जितने अच्छे उनके बच्चे होते हैं, और बच्चे अपने माँ बाप का रिफ्लेक्शन होते हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं, माँ बाप उनमें अपना रिफ्लेक्शन ढूंढते हैं। अपना ध्यान रखना। शेर सिंह, बटालियन सफर करने को तैयार है। यस सर। ऑलराइट। ओके पापा जी, यू टेक केयर। हैप्पी जर्नी कल। टेक केयर बेटा। बाय। क्या तू चौहान के पैसे खा गया? तू जानता है चौहान कौन है? तू जानता है चौहान कौन है? चौहान है। अरे तूफान है वो, बहुत बड़ा बाहुबली है। मसूरी से लेके देहरादून तक उसकी दबंगई चलती है। पेशे से पहलवान है, कनकट्टू पहलवान के नाम से फेमस है वो। सामने वाले के कान काट खाता है। हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ 3.5 मर्डर के केस चल रहे हैं उसके ऊपर। पहला मर्डर उसने तब किया था जब वो सिर्फ 17 years old था, और वो भी पता है क्यों? क्योंकि एक आदमी उसके बाप के पैसे खा गया था। और गुल्लू, ये तो उसने तुझे अपने पैसे दिए थे यार। गुल्लू, ये तूने क्या किया? तूने क्या किया ये गुल्लू? अरे मैंने क्या किया यार? जो किया दामू ने किया ना। अरे तो तूने दामिनी को ये बताया क्यों नहीं कि ये पैसे चौहान के पॉलिसी के प्रीमियम भरने के लिए है? रस्तोगी, मुझे नहीं मालूम था कि सच में दामू वो पैसे लेके जाके वो गाड़ी ले आएगी। यार यार, यही तो तुम पतियों की प्रॉब्लम है, औरतों को समझते ही नहीं हो। समझते तो पति थोड़ी बनते हैं यार। कुछ करना रस्तोगी, तू कुछ कर सकता है। करना। मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकता। अब जो करेगा वो चौहान करेगा। चौहान? चौहान? चौहान कैसे फोन करे? वो तो उधर गया ना, उधर वो मलेशिया 1 महीने बाद आने वाला था। क्या हुआ? ए गुल्लू, तेरी ना ग्रह दशा बहुत खराब चल रही है यार। और कहते हैं कि जब ग्रहों का चक्कर बहुत खराब हो जाता है तो मुसीबत जल्दी आ जाती है। मलेशिया से? उठा। नहीं, मैं नहीं उठाना। मैं जाके दामू को सब सच बता दूंगा। हम लोग गाड़ी वापस देखेंगे और चौहान के पैसे भर देंगे। और फिर कार? ए कार? यार जान है ना तो कार बहुत आ जाएंगी। अभी जाके कार वापस कर देता हूँ और चौहान के पैसे भर देता हूँ। और दामिनी का क्या? और तुम्हारे सारे इन-लॉज का क्या जो इतनी खुशियां मना रहे हैं वहां पर? उनसे क्या कहोगे? उनकी उम्मीदों का क्या होगा जो उन्होंने तुमसे लगा ली है इस कार को लेकर? कुछ सोचा है गुलशन? क्या जवाब दोगे अपने परिवार वालों को? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा रस्तों की। एक तरफ परिवार की खुशियां और दूसरी तरफ वो चौहान का डर। लाइफ में इतना बेबस मैंने कभी फील नहीं किया। लेकिन जो भी हो, इस बात की सच्चाई मुझे दामू को बतानी होगी। अगर बाय मिस्टेक कौनो हमारा पैसा खा भी गया तो अम्मा कसम हम निकाल लेंगे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।